तो कुछ मिशनियस प्रॉब्लम्स को करेंगे आज हम लोग। तो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए या आप लोग को व्हाइट बोर्ड विजिबल हो रहा हो। सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चंस हियर। व्हाट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी टू सच दैट the current in 2 plus j 3 ohm impedance circuit diagram mein bata raha hu impedance is zero as shown in figure. As shown in figure, मैं फिगर बता रहा हूं आप लोग देखिए इस ध्यान से इस फिगर। आप लोग नोट डाउन करते जाइए कॉपी में साथ साथ। ये आपका जो वोल्टेज है ये 30 पोलर फॉर्म में लिख रहा हूं, 0 डिग्री वोल्ट। ओके नाउ दिस रेजिस्टेंस इज 5 ओम, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज 2 ओम, एंड नाउ दिस इज j3 ओम, एंड नाउ दिस पॉइंट इज सी, हियर 4 ओम, नाउ दिस सोर्स इज हियर v2, दिस सोर्स इज हियर v2। Here this is J5. Now this is J5. This is J6. J6. So J3 C A B C. A B C. This is D and this is E. Simple mesh analysis. F G now H. So you know that loop 1, loop 2, loop 3 like that. So simply by using loop analysis method, you just easily solve this question. 6, 2 plus J3, J5 and also 6 ohm. 6 ohm, hey, 1 minute, 6 ohm. Now to banaiye this question. 2 plus J3. अच्छा ये जो है रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये सिक्स ओम। सो मान लीजिए कि इस लूप में I1 है, I2 है, I3 है। तो बना के दिखाइए, चलिए हम इसको बनाइए। पहले इस लूप को लीजिए ए बी जी एच, इस लूप का इक्वेशन लिखिए, फिर बी सी एफ जी एच इसका इस लूप का इक्वेशन को लिखिए, ठीक है। तो वन बाय वन करके इसको देखिए बनाइए, बन जाएगा तुरंत। चलिए 5 मिनट दिया हूं मैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाना। तीन लूप के लिए 3 इक्वेशन आएगा, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कीजिए करना है, और जैसा कि मैं बताया था कि क्रेमर रूल सिंपल सा कॉन्सेप्ट से है ना, क्रेमर रूल बताया था ना, I2 निकालना रहेगा तब पता है ना कैसे निकालना, पर मैट्रिक्स निकाल लेंगे डेल है ना, तो I2 बाय सिंपल डेल निकाल लेंगे तो उससे हम लोग I2 निकल जाएगा। तो पहले प्रोसेस आगे बढ़िए, स्टेप बाय स्टेप लूप सबको इक्वेशन सबको लिखना है 1 बाय 1। जैसे कि इन लूप सबसे पहले जो होगा इन लूप ए बी जी और एच,
इस लूप का इक्वेशन को सबसे पहले लिखिए, है ना, फिर इन लूप कौन बोला है, बी सी एफ जी है, इसमें मेश एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट इन लूप सी डी ई एफ, ये तीन लूप का तीन इक्वेशन होगा, ठीक है, तीन लूप का तीन इक्वेशन। तो ठीक है अमन, बन रहा है ना? यस सर। हाँ, ये तीनों इक्वेशन जल्दी से बताओ कौन इक्वेशन हो रहा है, जो भी एजुम्पशंस लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट एक ही एजुम्पशंस लेके बनाना है, ये डॉट मतलब पॉजिटिव। सर इक्वेशन निकालने के बाद मैट्रिक्स फॉर्म में तो रीअरेंज कर लिए, उसके बाद हाँ हेलो क्या बोल रहे हो सर, एक लूप इक्वेशन तो निकल गया सर। हाँ सर, इन लूप ए बी जी एच सिंपली जस्ट टू अप्लाई द मेश एनालिसिस मींस द केवीएल। So, यहाँ पर यदि देखो मैंने बताया था उस समय कि नेगेटिव पॉजिटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं सिंपल वे में जो है कि इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, तो इक्वेशन को तुम लोग मैच कराओ, यहाँ पर इक्वेशन क्या आया होगा, फाइनल इक्वेशन। ओके,
So in loop A, B, G, H, the final equations will be here I1, that is 5 plus J5 and minus J5 I2 is equal to 30. That is angle is 0 degree volt. Okay. So this is the equation number one. So match this equation. This is right or wrong. Okay. So match this one. Correct or not? Yes, sir. 8 plus yes, J8 I2 minus J5 I1 minus 6 I3 is equal to 0. So this equation number 2 for the loop 2. So again match this one. This is correct or not? Yes, sir. Correct. So and those who have a like any negative positive then you just check the direction. Okay. So in loop CDEF, in loop CDEF, the equations will be, see here, 10 I1 minus 6 I2 and is equal to minus V2 because the unknown quantity is here. Sir, I1 ki I3? Here, 10 I3, sorry, 10 I3. 10 I3 minus 6 I2 minus V2, that is equation number third. Okay. So the question is here in the question, what is the value of V2 such that the current in 2 plus J3, see here, 2 plus J3 means where I2, in 2 plus J3, which current will flow? So I2 current will flow. Simply, hum log kya karenge yahan par, I2 current ko find out karenge. So I2 current, Cramer rule se bataya tha na, maine matrix form mein pehle aap log ko likhna hai. है ना इस तीन इक्वेशंस को पहले सब फर्स्ट रीअरेंजिंग दिस थ्री इक्वेशन ऑल ऑफ यू फर्स्ट रीअरेंजिंग ऑल दिस थ्री इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म ओके मैट्रिक्स फॉर्म देन सिंपली फाइंड आउट द डिटरमिनेंट सो हियर रीअरेंजिंग इक्वेशन थर्ड आर रीअरेंजिंग इक्वेशन वन टू एंड थर्ड ओके So after rearranging, that is 5 plus J5 minus J5 0 minus J5 and 8 plus what J8 and again minus 6 0 minus 6 and 10. Okay, now all of you just check whether it is correct or not. Try to 30 G, okay, 0 and minus V2. So this is the rearrangement, all these three questions in the matrix form. So this is correct or not? This is correct or not, Mamta? This is correct or not? Correct, na? Yes, yes, sir. Okay. So first, find out this in delta. That is the determinant. So all of you know, na, how to find out delta? डेल्टा को कैसे फाइंड आउट करना है? सो डेल्टा का यदि नहीं भी निकालेंगे तो भी बन सकता है एक्चुअली हम लोग को पता है कि आई टू क्या होता है आई टू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आई टू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आई टू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो मैं डिटरमिनेंट में पता है ना नहीं पता है ये जो है इस वैल्यू को हम लोग कॉलम नंबर टू में पुट करेंगे पहले 5 प्लस जे फाइव जीरो और ये 30 जीरो जीरो और माइनस वी टू जीरो माइनस सिक्स और ये 10 ठीक है और नीचे वाला हम लोग का जो भी है हम लोग का डेल है ठीक ना मान लेते हैं कि ये डेल जेड मान लेते हैं ये वाला फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है क्यों ये नीचे वाला को फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है यदि निकाल भी लेते हो तो कोई बात नहीं है क्योंकि यहां पर जो है क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया 2 प्लस जे थ्री करंट इज जीरो क्योंकि जब हम लोग आई टू को जीरो कर देंगे तो ये वाला तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा नीचे वाला ऐसे निकालने का है तो निकाल सकते हो मैट्रिक्स को कोई दिक्कत है नहीं है ना इसको ऐसे लिख करके इस डेल का मतलब यहाँ पर जो पूरा मैट्रिक्स का यही तो डेल है डेल्टा जेड ठीक ना हम लोग तो निकाल सकते हैं ठीक ना लेकिन इसको कुछ फायदा है नहीं क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया कि करंट विल बी जीरो
तो करंट जब हम लोग का जीरो हो जाएगा तब बस ऊपर वाला से मतलब है ना, तो नीचे इसको जितने हम इक्वल टू जीरो कर देंगे, ये तो ऐसे ही जीरो हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्यों मेहनत करेंगे, इसमें तो ऐसे जीरो क्यों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वैल्यू सच दैट द करंट इन टेन टू है 2+j3 ओम इंपेडेंस है जीरो, तो 2+j3 का मतलब क्या I2 जीरो, ये तो क्या होगा I2 विल बी जीरो, तो हम ये मैट्रिक्स में इसको नीचे में क्यों मेहनत करेंगे, क्योंकि हमको ऊपर से खाली मतलब रहेगा, क्योंकि I2 विल बी जीरो गिवन क्वेश्चन, तो बस इसको निकालिए आप लोग, है ना, ये ऊपर वाला मैट्रिक्स को निकालिए सॉल्व कीजिए, ये सॉल्व करने से ही बन जाएगा, कोई भी रो कॉलम को लेकर के, जैसे मैंने बताया था कोई भी रो कॉलम को लेकर के इसके डिटरमिनेंट को निकालना है, और ये आप देखिए आप लोग का आंसर आ जाएगा V2 का वैल्यू, ठीक है V2 का वैल्यू आ जाएगा, तो निकालिए इसको, यदि हम लोग कोई भी रो कॉलम को ले लेते हैं बना देते हैं तो बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना, ऊपर वाला को ही, ऊपर वाला रो से ही हम लोग मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं, सबको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो आता है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाला क्या प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ये सब तो आता होगा आप लोगों को, जब इसको जब लेंगे तो इसका इसके नीचे का कॉलम और नीचे ऊपर का रो ढक देते हैं और इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से हम लोग जीरो हो गया, इधर से माइनस 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 प्लस फिर माइनस, है ना, तो क्या हो जाएगा -6 V2 और प्लस ये वाला प्लस है तो ये वाला माइनस है, तो -30 और ये 0 डिग्री, ठीक है, अब ये 30 को हम लोग इस कॉलम को ढक देंगे, इधर ढकेंगे तो ये पूरा हो जाने के बाद 10J5 जीरो, इधर तो जीरो हो गया, तो माइनस इधर आपका माइनस हो गया, तो माइनस जे क्या है 50 5 10 50 = 0, है ना, अब इसको सॉल्व कीजिए V2 का वैल्यू निकल जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ को सॉल्व करने से तो I2 = 0 है ना, ये इक्वल टू 0 है, यहाँ से V2 का वैल्यू निकल जाएगा, V2 = 30 इसको निकालिए, J 250 आएगा, देखिए सॉल्व करके 5+j5 आएगा, इसको हम लोग सिंपली पोलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे 35.36 और ये 45 डिग्री ये वोल्ट आ जाएगा, तो देखिए मैच कराइए आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम लोग का V2 का आंसर है, तो ये मैं बताया ये तीन इक्वेशन लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं सर, और इसके बाद मैट्रिक्स वाला भी क्रेमर रूल से I1 निकालने बोले I2 निकालने बोले कुछ भी निकालने बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो देख लीजिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर हुआ है यहाँ ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको ना सर, आंसर एंगल -45 है क्या, -45 नहीं है ना, पॉजिटिव में ही है, आंसर तो पॉजिटिव में ही है, बाद में चेक कर लो एक बार ठीक से, बुक में गलती होगा तो, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके बाद तो सॉल्व नहीं किया, मैं तो बस बुक से ही आंसर लिख दिया हूँ, तो हमको लग रहा सही है क्योंकि माइनस तो नहीं होना नहीं चाहिए, एक बार चेक कर लो आपने से निकालो ना कैलकुलेटर से सर, वो ठीक है सर 35.36 सर, मेरा एंगल -45 है, -45 आएगा कैसे, -45 अच्छा नीचे है, ऊपर में तो कोई एंगल जीरो है ना, अच्छा किसी और किसका है -45 किसी का है, मेरे पास में कैलकुलेटर है नहीं, तो मैं देख लेता सर, एंगल 45 आया है प्लस में, प्लस में ही आएगा क्योंकि ऊपर में तो 90 डिग्री है ना, यस सर हो सकता है, तो ठीक है हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, स्क्रीन शॉट ले लो इसको, ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, जब बेसिक क्वेश्चंस है थोड़ा सा समझने से ही सारा क्वेश्चंस जो है कि सॉल्व हो जाता है, बस माइनस प्लस का मैं तो शुरू से कहा हूं कि बस माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उसके बाद तो फिर सारा बन जाएगा, तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन
राइट डाउन। डेवलप मेश इक्वेशंस फॉर द नेटवर्क shown in figure and find the power absorbed by 3-ohm resistor. 3-ohm resistor. So see the circuit. सर्किट को बनाइए आप लोग प्रॉपर। जितने क्लासेस नेटवर्क की होती है नेटवर्क के लिए सेपरेट कॉपी बना करके रखना। सो यह जे 2 ओम इधर 10 0 degree वोल्ट, इधर I1 यह 3 ओम, दिस इज ए, दिस इज बी, अगेन this is a, now this is the I2 and now this is again 1 ohm, here 5 ohm, here current is ampere, I3, here J1 ohm. Okay, so A, B, C, D, here this is the E, this is F. So this is the circuit. So again, by using mesh analysis loop by loop, try to solve this question. The question is to find the power absorbed by the 3 ohm resistor. So power absorbed by 3 ohm, where is 3 ohm? This one 3 ohm. So first you find out the current, means which current? I1, because in the resistor here, in this resistor, I1 current now is following. So I1 power, you know the formula, P is equal to I square R. So first you find out the current, then just simply I square R. तो I1 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही सारा चीज करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। लूप एनालिसिस करके हम लोग इक्वेशंस निकालेंगे और इक्वेशंस को आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको मैट्रिक्स फॉर्म से सॉल्व करना है या सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, कुछ भी मैथमेटिक्स का जो भी मेथड से आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि आप लोगों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी मेथड से सॉल्व करना है, आपके पास इक्वेशंस है, यू हैव यूज्ड एनी मेथड्स। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स अगेन, so try to solve all of you.
आया क्या किसी का कुछ इक्वेशंस इन लूप एबीएफ। सो इन लूप एबीएफ में यदि हम लूप एनालिसिस करते हैं, सो यहां पर जो फाइनल इक्वेशन में लिख रहा हूं 4 प्लस जे टू आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू 10 एंड 0 डिग्री, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ अगेन इन लूप दिस इज द कंप्लीट लूप बी सी डी ई कंप्लीट लूप, इस लूप में उन्होंने लेते हैं इस कंप्लीट लूप पे, ठीक है। इन लूप बी सी डी ई, तो यहां पर यदि हम निकालते हैं तो हो जा रहा है 5 और 1 है 5 प्लस जे 1 आई 3, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके लिखते हैं एक ही बार में बता रहे हैं माइनस आई 1 अरेंज करके आई 2 5 प्लस जे 1 आई 3 इक्वल टू 0, ये आया होगा, ठीक है, ये आया होगा, क्लियर है ना। और इस पॉइंट पे यदि देखते हैं हम लोग तो ये जो करंट है ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर आई थ्री माइनस आई टू। तो यदि हम लोग देखते हैं फिगर में तो यहाँ पर एक करंट आई थ्री माइनस आई टू इजिकल टू ये है इस नोड पे, ये करंट, ठीक है। यदि यहां से हम लोग निकालते हैं सिंपल केसीएल केसीएल लगा कर, ठीक ना, केसीएल लगा देंगे। तो अब जो है कि यहां से तो निकाल सकते हैं हम लोग, अब ठीक है, यहां से यदि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 एंड 3 को, तो आई 2 जो है कि देखो आई 2 कैंसिल हो जाएगा तो आई 1 और आई 3 के फॉर्म में आएगा। तो इलिमिनेट करना है ना, सिंपल इलिमिनेट करेंगे और फिर यहां से हम लोग आई 3 निकाल करके हम लोग जो है कि 2 में पुट कर देंगे। जो सिंपली निकालना है कुछ करना नहीं है, सिंपल निकालना, जैसे हम लोग एक काम करते हैं ना कि 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो I2 कैंसिल हो जाएगा। तो I2 कैंसिल हो गया यहां से, तो यहां से फिर हम लोग का यहां से जब निकल जाएगा तो I3 चेक करते हुए जाओ, देखो मैं बता रहा हूँ I3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस जे टू I1 और माइनस 9 ये आएगा, ठीक है, जब 3 माइनस 1 करेंगे। अब एक काम करते हैं 1 को और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2 को ऐड कर देते हैं, हम लोग इलिमिनेट कर रहे हैं I2 को इलिमिनेट कर रहे हैं ना, सिंपल मैथमेटिक्स जो हम 10th क्लास में पढ़े वही है। यहां से हम लोग इलिमिनेट कर देते हैं 1 एंड 2 को ऐड करके, तो यहां से जो हम लोग को इलिमिनेट करने के बाद 4 प्लस जे 2 आई 1 और फिर ये माइनस आई 1 प्लस 5 प्लस जे आई 3 इजिकल टू 10 इतना आएगा। जोड़ने के बाद 4 प्लस जे 2 आई 1 माइनस आई 1 प्लस 5 प्लस जे आई 3 सिंपल, कुछ मैं कर नहीं रहा हूं, एकदम सिंपल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहां से काम है निकालने का, तो यहां से तो निकाल सकते हो वैल्यूज को, अरे वैल्यू को यहां पर हम लोग I1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, I3 को हम लोग को इलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। अब यदि इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ से इस इक्वेशन I3 को यदि यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, है ना, यहाँ पर यदि हम लोग पुट कर देंगे I3 का वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पर जो I3 है इस I3 को यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं ला करके, है ना। और उसके बाद सारे चीज को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है कि क्या आएगा उसको चेक करो, पुट करो यहाँ पर सबको, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है, और I1 का वैल्यू उसमें क्या आता है उसको चेक करो। तो मैं यहाँ पर जो है कि ये I3 को वैल्यू को पुट करने के बाद, ठीक है, जो I1 आएगा वो तुम लोग थोड़ा चेक कर लो, 55 प्लस जे 9 और ये 21 प्लस जे 16। अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसके भी पास कैलकुलेटर है वो थोड़ा चेक करके बताओ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, मैच करा 26.4 37.3। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, सो I1 इज इक्वल टू 2.11 माइनस 28.01 डिग्री एम्पीयर, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया था पावर एब्जॉर्ब बाय 3 ओम रेजिस्टर, तो क्वेश्चंस कहा गया है पावर एब्जॉर्ब बाय 3 ओम रेजिस्टर,
ठीक है। सो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर जो फॉर्मूला है सिंपल। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.11 एक्चुअल पावर सिंपल लेना है और रेजिस्टेंस है 3। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर 13.36 वाट। ठीक है, तो चलो इसको मैच कराओ और सिंपल देखो कि क्या हो रहा है। सो ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए, बस तुम लोगों का एग्जाम खत्म हुआ तो मैं क्वेश्चन सब तुम लोगों को थोड़ा रिमाइंड कराया कि कैसे लूप एनालिसिस करते हैं, कैसे हम लोग KCL को KVL को ये सब पे अप्लाई करते हैं और सिंपल पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, सिंपल मैच कराओ इसको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आंसर को बताओ।